अगर ये वो मंडे जो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद भी यही सेम क्लिपिंग डाल दी जाए ना, मुझे लगता है चल जाएगी। The way you tag in the same clipping, you could actually use it and use it out there because I really think I've got a good feeling with this. So well done, you've done the before and after for them, so their bites are also ready for that. And Karthik brother, you are twinkle toes. I know one thing, यार लोग तुम्हें इतना क्रेडिट नहीं देते हैं as an actor, as a star, all those are there. But जितना काम तुम्हारे पैर करते हैं भाई, इसके लिए तालियां हो जाए यार. I love the way this boy dances. हाँ. Congratulations. Both of you are looking great. A great track record also. थोड़े हैं कुछ गुड़गुड़ हो रहा है पेट में कि नहीं? नहीं, काफ़ी हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आपने भी सच बोल दिया, तो सच बोलने के पहले सोचने का क्या. बट जैसे कियारा ने अभी बोला, मैं भी वो सेकेंड आई सेकेंड दैट एंड आई जस्ट थैंक एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पहला ये इवेंट किया है जो सत्य प्रेम की कथा की टीम के साथ एंड आप सबके साथ, जो हमारी एक्चुअल में एक्सटेंडेड फैमिली है एक तरीके से. सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर. इतनी तादाद में जिस तरीके से इतने सारे लोग आज आए हैं यहाँ पर, सो थैंक यू फॉर द एंथुजियाज्म. इससे हमारा एक्साइटमेंट और ज़्यादा दुगना हो गया है. और सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जो यहाँ पर हैं सब लोग. आई वुड अगेन से द सेम थिंग, समीर सर थैंक यू सो मच. जिस तरीके से आपने ये फिल्म में जितनी पैशन के साथ काम किया है, डायरेक्ट किया है हम सबको, और जिस तरीके से काम निकलवाया है हम सबसे, सारा क्रेडिट आपको जाता है. हम जिस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं, या जिस तरीके के एक गाने, एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया था जब फिल्म का टीजर आया था, ट्रेलर आया था, कि बॉलीवुड इज़ बैक. एक हिंदी इंडस्ट्री में जो फिल्म्स पहले बना करती थी, उस तरीके का जमाना वापस आ रहा है सत्य प्रेम की कथा से. सो मतलब मैं ये क्रेडिट पूरा इनको देना चाहूँगा कि इन्होंने वो डायरेक्ट किए फिल्म. और उसके लिए शरीन, किशोर सर, साजिद सर, वरदा, एवरीवन जिन्होंने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया और इतना एम्पावर किया, जितना पावर दिया इस फिल्म को, सो थैंक यू फॉर दिस. बिकॉज ये फिल्म यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती, अगर आप सब लोग इस फिल्म में इन्वॉल्व नहीं होते. सो थैंक यू फॉर मेकिंग एवरी सॉन्ग एज बिग एज द अदर वन. यू नो, मतलब इससे ज़्यादा मैसिव स्केल वाले सॉन्ग मैं इमेजिन नहीं कर सकता था इस फिल्म में. हम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, और आप सब ने उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें सोना चांदी से जड़ दिया उस फिल्म को. सो थैंक यू फॉर दिस. करण हु इज़ रिटन द फिल्म, जिन्होंने ये फिल्म को क्रिएट किया एक तरीके से, जिनकी लाइंस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. मतलब मैं ज़्यादा अच्छे शब्दों में थैंक नहीं कर पाऊँगा जितने शब्द तुम लिखते हो, बट थैंक यू फॉर ऑल द वर्ड्स एंड ऑल द डायलॉग बाजी इन द ट्रेलर इन द फिल्म. ये सिर्फ 5% है, 5% है जो आप देख रहे हैं पिक्चर के अभी ट्रेलर में, टीजर में. पूरी पिक्चर में बहुत कुछ है जो हम अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो नहीं दिखा पा रहे, जिसका जवाब आपको 29 जून को मिलेगा. थैंक यू. ये बहुत बड़ा मोनोलॉग मैंने बोल दिया है, सॉरी, बट थैंक यू. हाँ, ये बहुत बड़ा करारा जवाब है. नहीं, बहुत बढ़िया है. अभी जितने लोगों को थैंक यू बोला है, हम लोग स्टेज पर भी उनको बुला लेते हैं. तो पहले तो कैप्टन ऑफ द शिप, जिन्होंने इतनी विजन देखी है, समीर विद्वंस, तालियां. जिन दो प्रोड्यूसर्स का नाम लिया, वरदा नाडियाडवाला, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज, एंड शरीन केरिया, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज फ्रॉम नमा पिक्चर्स एंड नाडियाडवाला फिल्म्स, प्लीज. And sir, this part I have to direct you to the middle, sir. Yeah, right over there, sir. And you all can go on the other side as well. Yeah, sir. Actually, aap us taraf chale jao, across. Yeah, right here. All right, the thank yous have happened to everybody. लेकिन आप लोगों को कैसी लग रही है? One pick. Were you like smiling, happy? Vardha, we'll start with you. You saw it. There was a groove. There was a jump. It's nice, no? Mind. Yeah, I was very excited when I saw it for the first time. I think it's a very, very, very beautiful film. बहुत ज़माने बाद फिर आपको वो लहराते हुए खेत दिखेंगे, वो सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ दिखेंगे, और खूबसूरत लोग बाइक पे जाते हुए रोमांटिक लुक्स दिखेंगे. So I think it's very beautiful. Everyone's done a brilliant job. It's just too beautiful. You all are going to love it. एक्चुअली टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया सर, सब जगह गए हैं. मतलब कश्मीर तो खूबसूरत लग रहा है. आई लव इट, आई लव इट. मैंने कश्मीर का मैंने बोला बाबा इट माइट पहाड़ हां. नाउ बिफोर आई कम टू यू आल्सो, सिंस यू आर आल्सो फीलिंग शरीन, यू नो देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि जब प्रोड्यूसर बन जाता है कि यार अच्छी बन पाएगी कि नहीं. पहले दिन तो हम लोग सब जोश के साथ आते हैं. आप रोज सेट पर आ रहे थे पहले 5 दिन, उसके बाद क्या वही जोश रहा टुवर्ड्स द एंड?
हाँ I was on the set all the days and I think it's been really surreal and having Kartik and Kiara they have been like the first choice and the perfect we couldn't have imagined for like anybody to do this film so I think it's been like a completely surreal experience and everyone's put in their heart and soul into this film now you have the people with you when you heard them cheering one day se thoda sa ho jata hai ya you know relief factor ho gaya hai at least if the media you know because They anyone don't take this. अगर वो भी clap कर रहे हैं मतलब कि थोड़ा सा तो genuine निकला है. Yeah yeah. So the butterflies are becoming lesser than with the media screenings, yeah. I have to say. Sameer sir, your vision is just unreal. So you know I bow down to you. You know because कई बार क्या होता है directors are men of few words. Sometimes they're men of many words. You know. मैं आपको पिछले 1.5 घंटे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. आप मेरे को देख नहीं रहे लेकिन मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ. आप साइलेंटली देख रहे हैं. आपने इतनी बड़ी स्केल बनाई यू नो स्केल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट राइट यस यू गॉट बिग स्टार्स बट यू नो दे कैन पुल इट ऑफ बट यू आल्सो नीड टू बी एबल टू पुल इट ऑफ एंड द लुक एंड ऑल दैट इट्स सो ब्यूटीफुल और लोग डरते भी हैं मैंने एक डायरेक्टर से एक बारी बात की थी उन्होंने बोला था कि यार सलील पैसे बढ़ाने से ना स्केल नहीं बढ़ता है आप छोटी पिक्चर भी अगर बनाए वो भी स्केल से बना सकते हैं बड़ी पिक्चर भी बनाए वो भी स्केल से बना सकते हैं सो दिस विजन ऑफ योर्स यू नो ऑफकोर्स शायद सब लोग यहाँ नहीं जानते आपको यू आर अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर तो ये ईजी हो जाता है क्या वेन यू कम इन या फिर ये टेस्ट मैच का फर्स्ट डे है और बहुत स्ट्रेस हो जाता है ये वर्ल्ड कप फाइनल मान लो नहीं ये टेस्ट मैच ही है और ये टीम वर्क ही है जो भी विजन आप देख रहे हो ना ये मेरे अकेले की नहीं है ये राइटर से लेके एक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके सबकी है क्योंकि एक बहुत अच्छी बात हम लोगों में थी कि हम लोग एक दूसरे से क्रिएटिव झगड़े करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत अच्छा लाइन एक्चुअली बहुत झगड़े हो रहे थे ज्यादा जरूरी है नहीं क्योंकि उसी में से निकलती है चीजें वही सच बोलने के पहले नहीं क्योंकि ना आमतौर पे लोग झगड़ों से दूर भागते हैं ना नहीं नहीं करते हम लोग करते हैं तो हमें अच्छा लगता है झगड़ालू सबसे ज्यादा कौन है ये बता दो अभी आपने बोल दिया सर अभी बोल दिया आपने हमारा राइटर जो बैठा है ना सामने नहीं क्योंकि ना वही है कि जैसे मैंने कहा ना कि शारीन पूरा टाइम थी साजिद सर हमेशा पूछते थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है मुझे बताओ क्या हो रहा है हम लोग तो थे ही करंट सेट पे था तो हर छोटे शब्द के लिए हर छोटी लाइन के लिए से लेके बड़े मोनोलॉग तक ना वो डटा रहा वहाँ पे कि नहीं नहीं ये लाइन ऐसे क्यों बोलनी है या मेरा DOP जो था बोस है रजत दा जिन्होंने सेट डिजाइन किए इतने बड़े वो हमेशा कि आपको क्या चाहिए बोलो हम लोग ला के देते हैं प्रॉब्लम मत बताओ आप हम बताओ कि क्या चाहिए तो ये सारी चीज़ें ना इस फिल्म में जाती है और फिर जब ऐसी कास्ट जब वो परफॉर्म करती है डांस करती है जो गजराज सर है सुप्रिया मैम है सिद्धार्थ रंडिया सर है शिखा है जब ये सारे लोग एक साथ आ जाते हैं ना स्क्रीन पे तो तब वो स्केल बढ़ती है वो सिर्फ कैमरा रखने से या लाइटिंग से या अच्छे डायलॉग से नहीं बढ़ती ये सब एक साथ आ जाता है उसके बाद ही ये स्केल बढ़ती है ये मुझे लगता है नहीं इमोशन भी बहुत दिख रहा है इसमें एंड आई थिंक एक एक्टर साइन सिर्फ स्केल तो पता नहीं होता जब वो साइन कर रहे होते दे लुक एट द strong role. You're talking about how 5 years is completed, you know, perhaps a metamorphosis in Kiara's career with Kabir Singh. That was also a very strong performance-oriented role, but a quiet role. Here also, there are lots of shades. And एक actor को यही चाहिए. Dance भी मिल रहा है, खूबसूरत गाना भी है, वादियाँ भी हैं, झगड़े भी हैं, रोना भी है, silence भी है. This is like a dream role, like 5 in 1. Many layers, many layers to their character. Yeah, big time. So when you were reading it, सब जैसे बोला, जैसे सोचा, वैसे. बिल्कुल वैसे ही. I think. If I may say this, I feel this is my most sensitive role, character, portrayal in any film that I've ever done. और फिर से मैं हम लोग आज बहुत थैंक यूज बोलने वाले हैं बिकॉज आज मौका मिला है हमारी टीम को यू नो कि आई कैन टेल देम इन आई वुड लाइक टू सी इट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन दैट करण जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है आई थिंक दिस फिल्म एक्चुअली केम टू मी Before COVID, so before anyone was attached to the project, Shareen and Karan had come. At that time, it was only both of them, and I had heard this story, and I was like, "This is so beautiful." Unfortunately, pandemic ke wajah se, we didn't end up, you know, going ahead with it. And suddenly, kuch saalo baad ek announcement aaya tha with Kartik and Sajid sir, and I didn't know at that time ki ye wahi script tha jo you know maine padha tha like many many years ago. And we were shooting for Bhool Bhulaiya 2 at the time. और मैं वी आर चैटिंग अबाउट एंड कार्तिक वाज लाइक ओ यू नो आई एम डूइंग दिस फिल्म एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड आई वाज लाइक ओके आई डिडंट आई हैड नो आइडिया एंड इट केम बैक इनटू माय लाइफ सो आई फील सम फिल्म्स आर जस्ट डेस्टिन टू हैपन
it was in my destiny to be Katha, to play this role. Katha means story, so that's a big part of the story is what, you know, that's what we were saying, ki ye bas 5% hai, ab to bahut hai jo aapko dikhai dega 29th ko. But it's definitely the most sensitive role and performance for me and for this character, and I wouldn't have been able to do it without Sameer sir and without Karan, because and without Karthik, because a lot of it is to do with, you know, the camaraderie between all of us. So thank you guys. I hope the amount of passion we've put into it and what we felt reading the script and you know, living these characters, we're able to make you feel the same when you come to watch the film, and you feel the same emotions that we felt while we were making this one. I think everyone's already feeling it. Lekin, you know, you mentioned Bhool Bhulaiya. Ek alag time tha tum dono ke career mein. Bollywood ke liye ek alag time ho gaya tha. You know, ek hum log bhi ek hit ki khoj mein the. Phir ye aa jata hai fresh of breath of fresh air and these crowds are coming in. Everyone's very excited. Ab kya ho jata hai na? It's almost like we haven't really gone very far ahead. It's a tough time. Audiences are not so easy to please. इस promotion की बात भी करें, अगर film की promotion की बात करें, organically बस सब कुछ हुआ है. It's very nice. It's not hard in your face. जो आजकल social media के साथ बहुत easily हो जाता है. So when you all both came back in together, I know you think a lot, Karthik. You know, I've chatted with you over years also. You know how you think कि यार ये सही वक्त है क्या ये करने के लिए, क्या ये ऐसा आ रहा है. अब ये जो स्केल आ गई है, ये जो फिल्म आ गई है, ये जो सुपर हिट जोड़ी है, जो एक्सपेक्ट करेंगे, इसको 200 टच नहीं हुआ, सो दिस अ फेलियर, यू नो दैट नाउ सचिन तेंदुलकर, है ना? है ना, यार 200 करोड़ भी मेक्स, आई सेड नो. अगर 199 भी आ गया, सो इट्स 99 ब्रो. अभी क्यों इतना सोचवा रहे हो? अभी साथ, बट दिस काइंड ऑफ प्रेशर कैन बिल्ड अप वंस इन अ वाइल, बट हाउ यू सीम टू हैंडल इट वेरी वेल. आई थिंक ये कॉन्शियस डिसीजन एक लिया गया था इस फिल्म के साथ, बिकॉज काफ़ी ऐसे प्रमोशंस हो रहे हैं जो आई थिंक ऑडियंस, आई डोंट नो, मतलब हम गलत भी हो सकते हैं सही भी, बट वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, जहाँ पे ये एक मार्केटिंग टीम का और फिल्म टीम का एक डिसीजन था, जिसमें हमने ये सोच लिया था कि अभी सिर्फ कंटेंट पे यू नो कंटेंट को आगे लाते हैं, और फिर धीरे धीरे लास्ट वीक तक हम लोग शायद से वो प्रमोशनल कैंपेन चालू करेंगे. वी वोंट गो इन एंड दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग नाउ. दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट, मार्केटिंग एक्चुअल इवेंट जो हमने पहली बार किया, और आज पहली बार बड़े पर्दे पर आपको सारे गाने जो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और जो अनरिलीज है वो अभी पहली बार दिखाए. तो एक कॉन्शियस डिसीजन था, ये भी बहुत सोच सोच के ही आया कि क्योंकि भूल भुलैया में तो छतों पे चढ़ चढ़ के प्रमोट किया था, उससे पहले भी ऐसे ही किया. लेकिन आई थिंक कई बार चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कई फिल्मों के साथ सिमिलर मार्केटिंग कैंपेन नहीं जाती. आई थिंक सत्यप्रेम की कथा बहुत ही प्योर फिल्म है. आपने देखा होगा 11/11 हम प्योरिटी की बात करते रहते, वो मेक अ विश वाला एक मोमेंट होता है 11/11, तो उसी टाइम पे हम सब गाने एसेट्स सब कुछ उसी टाइम लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्योरिटी इन दिस फिल्म. And that's what 11/11 is all the time. My friends keep saying 11/11 make a wish, and I keep asking why. I mean, it's pure, yeah. So aisa hai kya? And yeah, must do it more often then. So I think yeah. So 11, lekin aaj actually humne 11/11 pe nahi dala, kyunki hume laga ki hum log late ho jayenge, kuch ho jayega. So let's not get into it. So this is the only asset jo us time pe launch nahi kiya. But yeah, so ye conscious decision tha ki marketing campaign thoda ek फिल्म के हिसाब से चेंज करेंगे, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग, सीप इन हो रहा है लोगों को आज के बाद, या जो भी एसेट्स हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं, एंड 29 जून 100% का वेट कर रहे हैं. दिस लेन वुड नॉट बी फुल.